बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल किचन मूवी। आज हम आपके लिए मैक्रोनी चाट की रेसिपी लाए हैं। तो चलते हैं अपने अज्जा की तरफ। प्याज एक कदर बारीक क्यूब्स में काट लें। नमक एक चाय का चम्मच। टमाटर एक बड़ा क्यूब्स में काट लें। सब्ज मिर्च 3 अदद बारीक काट लें। चाट मसाला 1.5 खाने का चम्मच। आलू 2 अदद उबाल के काट लें। इमली का गुदा 1 कप। पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच। नींबू का रस 3 खाने के चम्मच। मैक्रोनी 1 कप। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। एक पतीली में तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी डाल लें। एक खाने वाला चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। आधा चाय वाला चम्मच नमक डाल दें। पानी को गर्म होने दें। जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू हो इसमें मैक्रोनी डाल दें। इसे अच्छे से हिला दें और अब इसे पकने दें। मैक्रोनी गल जाए तो इसे छानकर दूसरे बर्तन में निकाल लें और ठंडा पानी डालकर इसे ठंडा कर लें। फ्राई पैन में इमली का गुदा डाल लें। इसमें पेपरिका पाउडर नमक और चीनी शामिल कर दें। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो आप सादा सुरख मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मुसलसल हिलाते हुए गाढ़ा करना है। नमक मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये गाढ़ा हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें और इसे ठंडा कर लें। एक बर्तन में मैक्रोनी डाल लें। इसमें उबले कटे हुए आलू डाल दें। अब इसमें टमाटर प्याज और सब्ज मिर्च से थोड़ी थोड़ी सी गार्निश के लिए बचा लें, बाकी इसमें डाल दें। अब इसमें चाट मसाला भी शामिल कर देते हैं। अब ये इमली का गुदा जो अभी हमने पका कर ठंडा किया था इसमें डाल देते हैं और नींबू का रस भी इसी में डाल देंगे।
अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे अलग बर्तन में निकाल कर गार्निश कर लेते हैं। लीजिए जनाब, हमारी चटपटी मैक्रोनी चाट तैयार है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।